दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फेल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस लेखपाल भर्ती में जब से ये सुप्रीम कोर्ट में अटकी है, या हाई कोर्ट में भी थी उस टाइम पे पहले, या सुप्रीम कोर्ट में अटकी है उस टाइम से आप अब तक बात कर लो, या जब से ये भर्ती क्लियर हो रही है, या मतलब ऐसे समझ लो कि 23 फरवरी के बाद में कितने लोग एक्टिव होते हैं और कितने लोग एक्टिव नहीं होते, ये खुद का अंदाज़ आप लगा लीजिए। फंडिंग की बात आती है, वो 1000, 1200, 1500, 2000 के संग में लपेट में लोग फंडिंग करते हैं। उसके बाद तो जितने भी लोग बचे हैं या छात्र छात्राएं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भर्ती भाड़ में जाए चूल्हे में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, उनका कोई लेना देना नहीं इस भर्ती से। और जो लोग 1500, 2000 लोग एक्टिव हैं, वही बेचारे बार बार चाहे 2000 फंडिंग कर दें, चाहे 1000 कर दें, चाहे 500 कर दें, वही फंडिंग करते हैं, वही बेचारे पैनिक होते हैं, उनको ही पैनिक किया जाता है बार बार। और जो लोग रह रहे हैं, जो रह गए हैं, उनको पैनिक का कोई मतलब ही नहीं, वो तो इस चीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं होते, उनका तो पैनिक छोड़ ही दो कि पैनिक कर पाओगे उस चीज़ में। जो बेचारा फंडिंग कर रहा है वही पैनिक कर रहा है, वही पैनिक कर जाता है बेचारा कि अरे यार अब क्या होगा, अब तो ये भर्ती रिवा मतलब निरस्त हो जाएगी। कुछ लोग तो ऐसा भी कह देते हैं भर्ती निरस्त हो जाएगी साहब, छोड़ो उन चीज़ों को। कुछ लोग कहते हैं रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा, कुछ लोग कहते हैं हम हार जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो साथियों इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये कुछ लोग जो परेशान कर रहे हैं, पहले से लोग परेशान हैं, आप परेशान कर रहे हो। सेलेक्टेड की बात कर रहा हूँ, नॉन सेलेक्टेड बकवास मुझे नहीं मालूम कि सेलेक्ट नॉन सेलेक्टेड कौन है कौन नहीं है, ये करना उचित नहीं है। आप किसी भी कीमत में समझ लो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार जा रही है। अगर आप सही चीज़ जानकारी दे नहीं सकते, आप आज ही प्रश्न की जानकारी ले लेते हैं। जो आज का ही कोर्ट केस था डबल बेंच में, जो विंध्याचल वाले प्रश्न पर, आप उस कोर्ट केस में लोग कह रहे हैं कि 2.5 लाख का वकील कर लिया, 4 लाख का वकील कर दिया, वो जीत जाएंगे, जीतने के लिए आया है, पास ओवर लेने के लिए नहीं आया। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही, फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट के सारे तुम्हारे जो ऑर्डर है वो रद्दी है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई अलग चीज़ है तो नहीं कह सकता क्या है क्या नहीं है, वरना तो ये 2.5 लाख का कर ले, चाहे 50 लाख का कर ले। तो ये बताओ कि ये जो ऑर्डर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, वो तो उसका कोई मोल ही नहीं रहे इस चीज़ का। चलो उसने जज ने मुँह से क्या बोल दिया उसका कोई मान नहीं रखता, ये बात सही है, ठीक है, हम भी जानते हैं इस चीज़ को। 8 तारीख को उसने क्या बोला, 29 तारीख को उसने क्या बोला, सारी चीज़ जानकारी है। लेकिन जो उसने लिख के दे दिया उसका भी कोई मोल नहीं है, इसका तो मतलब ही कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ का। तो पर इस चीज़ से पैनिक किया जाता लोगों को, सही जानकारी तो दो। देखो सीधी बात है, पैनिक वही हो रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है इस चीज़ को समझो, पैनिक हो रहा है सिर्फ 1500 से 2000 लोग, बाद बाकी लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, कोई फ़र्क नहीं है। वो रुपये भी नहीं देते, कभी नहीं देते, अब भी नहीं दिए उन्होंने, ना पहले दिए कभी भी। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको, बार बार पैनिक मत करो, इन चीज़ों से अच्छा नहीं लगता है कि आप पैनिक कर देते हो, लोग पैनिक हो जाते हैं। और ये चीज़ मैं सिर्फ उसके लिए कह रहा हूँ कि आपको समझाना पड़ेगा, पैनिक नहीं करना है। पैनिक तो आपने बहुत कर लिया, पैनिक तो आपने क्या क्या कर लिया और किस प्रकार से क्या किया है सब जानते हैं लोग इस बारे में। तो देखो ये कोर्ट केस का अगर देखोगे आप, जो स्पेशल अपील डिफेक्टिव स्पेशल अपील है, ये तो 470/2024। अब आपको रजिस्ट्रेशन डेट देखनी है इसकी, ये कितना है, ये फिलिंग डेट है 24/4/2024 और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 8/5/2024। मैं 4 को ही मान के चलता हूँ, 4 का मतलब क्या, 24 अप्रैल को ये डेट मतलब क्या है, फिल हुआ है। अब यहाँ पर मतलब कोर्ट केस फिल हुआ है, ये समझ लो ये डबल बेंच में। अब यहाँ से अगर 19 तारीख का ऑर्डर देखोगे तो इस कहाँ से क्या मतलब निकाल सकते हो, वो खुद आप समझ सकते हो इस चीज़ के बारे में। देखो ये 19 तारीख का 19 फरवरी का ऑर्डर है, जो 21 को आया था, मतलब जो 21 को शायद 19 का एक दिन बाद आया था ऑर्डर, तो उसके यही ऑर्डर है। और नीचे मैं आपको आता हूँ, सारा ऑर्डर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और लिस्ट डेट थी 22/3/2024। अब यहाँ से आपको पढ़ना है एक लाइन, और ये लाइन कहाँ क्या कहती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा समझनी है, क्योंकि लोग इस प्रकार से कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आप समझो इस बात। देखो दोस्तों सबसे लास्ट में पॉइंट ये वाला है, जो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ सबसे पहले, तो जिससे आपको समझ में आए चीज़ें। ये एक बात समझो, अगर ये चीज़ का कोई मोल नहीं है, मायने नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है इस ऑर्डर का। आप यहाँ पर देखो, ये चीज़ पहले भी आपको मालूम है, हाई कोर्ट का सिंगल बेंच डबल बेंच का कोई मतलब नहीं होता, सब चीज़ लिखी होती है वहाँ पर, ये सिंगल बेंच में डबल बेंच में है। एनी पिटीशन फिल्ड आफ्टर 21 नवंबर 2023 क्वेश्चन एनी ऑफ द आंसर की टू द क्वेश्चंस इन एनी ऑफ द बुकलेट सीरीज और एनी अदर इशू रिलेटेड टू द सब्जेक्ट एग्जामिनेशन
शैल नॉट बी एंटरटेन बाई द हाई कोर्ट। अब ये बताओ इसमें कौन सा डबल बेंच और सिंगल बेंच लिख रहा है, जब जो कहा जा रहा है आपके द्वारा या आप क्या किस प्रकार से कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। सिंगल बेंच डबल बेंच तो कोई नहीं लिख रहा है, इसमें सीधा सीधा लिख रहा है कि 21 नवंबर के बाद जो भी चीज़ फिल की गई है उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा। तो डबल बेंच उनका सिर्फ ये मकसद था कि उसको बेंच को खारिज करा ले जाएं, इस प्रश्न के जो डबल बेंच में ले जाकर उसको खारिज करा कर डायरेक्ट वो पहुंच जाएंगे तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेके, इतना मकसद है। लेकिन आप देखो हकीकत बात यह है, सही जानकारी तो दो लोगों को, लोग परेशान हैं और मैं बार बार कह रहा हूँ कि वही 1500-2000 लोग परेशान हैं, उन्हीं को बार बार परेशान करोगे तो अच्छी बात तो है नहीं। वही लोग चाहे, मैं फिर कह रहा हूँ कि वही लोग चाहे 1000 रुपये दे दें, चाहे 500 दे दें, चाहे 2000 दे दें, वही लोग दे रहे हैं। और आपकी रीच बता दो कितनी लोगों तक पहुंच पाई है, 7897 लोग हैं इस भर्ती के अंदर, लेकिन रीच वही 2000 लोग तो लोगों तक पहुंच पाए हैं, हम रीच आउट ही नहीं कर पा रहे हैं हम इतने लोगों तक, 7000 लोगों तक, तो हमारी कहीं ना कहीं कमी है ना इस चीज़ में। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को सही जानकारी दो, पैनिक मत करो प्लीज़, इस चीज़ से आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पैनिक करना छोड़ो, क्योंकि ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जीतने के लिए आया हारने के लिए आया, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है। हार जीत तो फिर तो आदमी देखो 8 तारीख के बाद, एक चीज़ मैं अभी बता देता हूँ, 8 तारीख के बाद और लोग मतलब बीच में 2 महीने ड्यूरेशन है, 8 जुलाई तक पता नहीं क्या क्या होगा, लोग क्या क्या आपा खोएंगे ये खुद समझ नहीं पा रहे लोग, ठीक। तो ये चीज़ नहीं है कि आदमी एक जैसी स्थिति बनी रहेगी, वो व्यक्ति कुछ और करने लग जाएगा बीच में जाके जो आपका साथ दे रहा है आज, तो इस चीज़ से आपको भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वैसे हम सब लोग एक साथ हैं, जितने भी 8000 लोग हैं सब एक साथ हैं, लेकिन पैसे 2000 ही देंगे, ये भी बात समझ लो, 2000-2500 लोग इतने पैसे देते हैं, वो इतने पैसे दे पा रहे हैं, वही बेचारे पैसे दे रहे हैं, वही पैनिक हो रहे हैं, वही उनको पैनिक कर रहे हो, तो ये चीज़ मत करो प्लीज़। और अगर आपको 2 महीने देखना, बीच में 2 महीने हो जाने दो, लोग किस प्रकार की बात करेंगे, जो सेलेक्टेड है वही, अनसेलेक्टेड की तो छोड़ दो, क्या क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो अलग चीज़ है, जो सेलेक्टेड है वही लोग अपने अपने तरीके से बातें बनाने लगेंगे इस चीज़ में। जो लोग एक पैसा नहीं देता उसी में बहुत सबसे ज़्यादा बात वही बनाता है कि ऐसे हो गया और वैसे हो गया, ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये चीज़ तो हम सबको मालूम है कि वो खारिज कराना चाह रहा था, खारिज हो जाता सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लेके पहुंच जाता, इससे ज़्यादा इसका कोई मकसद नहीं था, ये चीज़ सब लोग जानते हैं। और मैं शुरुआत से ही कह रहा था ये खारिज हो जाएगा, बस खारिज कराना चाह रहा है, पास ओवर मिल गया वो बात अलग है, आपने वकील खड़ा किया अच्छी बात है, जो भी है अच्छा हो रहा है, लेकिन ये पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।